सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि कितने नंबर ट्रायंगल होंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, दो तीन बार क्वेश्चन ये ऐसे आ गया। अगर आ जाता है तो मैं बता दूंगा, इसे रट लेना इस फिगर को, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बता दो भाई आंसर में क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, कमेंट करके। चलो अब मैं बताता हूं जिसका नहीं आया कि कैसे काउंट करना है। मैंने आपको एक फिगर बताया था कॉन्सेप्ट पे कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ फिगर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा देखो, किसी भी दो बेस से अगर ऐसे जाता है, इधर से गया और इधर से गया, तो इसमें कितने ट्रेंगल होंगे। मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, आपको कराया था कि अगर यहाँ पे, यहाँ से आपके दो, इस वर्टेक्स से दो लाइन इस वाले बेस पे पड़ रही है और इस वाले वर्टेक्स से दो लाइन इस बेस पे पड़ रही है, ठीक है, सिमेट्रिक। जब भी ऐसा हो तो इस वे आपको बेस को कितने पार्ट में काट रही है, तीन पार्ट में, इस वाले को तीन पार्ट में। तो जब तीन पार्ट में काट रही, तो उसका मैंने बोला था तीन का क्यूब कर दो तो उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल होते थे, मतलब 27 होता था। यहाँ पे दो था, एक ही वर्टेक्स से दो लाइन आ रही थी, यहां से एक वर्टेक्स से एक लाइन इस बेस पे पड़ी है, एक वर्टेक्स से एक लाइन इस बेस पे पड़ी है। तो देखा जाए एक तरह से तो आपका टोटल कितने इसमें होंगे ट्रेंगल होंगे, दो की पावर क्यूब होगा, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और इसको भी, आपका जो ये वाला वर्टेक्स है, इस वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो दो पार्ट में डिवाइड किया तो जितने पार्ट में बेस को डिवाइड करता है उसका क्यूब कर देते हैं, तो यहां से हमें आठ ट्रेंगल मिल जाएगा। ठीक है, आठ ट्रेंगल मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं, हमें तीसरा वाला भी, तीसरे वर्टेक्स से भी एक लाइन आया, तीसरे बेस पे कट किया, उसे भी देख लेते हैं, उससे फिर क्या फर्क पड़ता है। देखो उससे जैसे ही हम यहां मिलाते हैं तो हमें कौन कौन सा ट्रेंगल मिल जाएगा, हमें जो मिलेगा, एक देखो ये वाला ट्रेंगल मिल जाएगा, ये नंबर वाला, एक नंबर वाला पूरा, ये देख लो, क्योंकि ये पहले नहीं मिला था, एक ये मिल जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, उसके बाद इसमें भी एक ये मिल जाएगा तीसरा, और ये एक चौथा, तो अभी चार और मिल जाएंगे, तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या मिलेगा भाई, 12 के बाद देखो ये एक पूरा मिलेगा, देखो इसमें, क्योंकि पहले मेरे पास सिर्फ इतना था, ऐसे थे, एक वर्टेक्स यहां से गया था, एक यहां से गया था, इधर से पूरा ट्रेंगल तो मिल नहीं रहा था, जैसे ही ये ऐसे कंबाइन होगा तो ये पूरा एक ट्रेंगल ऐसे मिलेगा ये वाला, तो आपका चार हो, यहां से ये पूरा मिल जाएगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन होगा, एक इधर मिलेगा उसी तरह एक इधर मिलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, तो दो और मिल जाएगा, तो 12 प्लस 2 क्या कर दोगे इसको, 14 हो जाएगा। और दो और कहां से मिलेगा हमें, देखो जब भी ऐसा था, ठीक, यहां से पड़ा था एक, यहां से पड़ा था, तो जब यहां से एक पड़ेगा तो इसका एक पार्ट, मतलब इस बेस पे जैसे पड़ेगा तो एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये भी तो हमने भूल गए हैं गिनना, तो दो ये और हो जाएगा, तो 14 और 2 16, ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस फिगर का जो आंसर होगा वो 16 होगा। एक बार और देख लेते हैं कि इसमें कैसे आपको काउंट करना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ तोप नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया था, जब भी ऐसा कोई फिगर आ जाए जहां पे एक वर्टेक्स दूसरे बेस पे गया, एक वर्टेक्स से दूसरे बेस पे गया, तो यहां कितने पार्ट में इसको काट रहा है, दो पार्ट में, यहां भी कितने पार्ट में, दो पार्ट में, तो जब भी ऐसे, मैंने बताया था कि एक दो वर्टेक्स से दो लाइन जाए, किसी दो बेस को दो इक्वल पार्ट में काटे, तो उसका हम क्यूब कर देते थे, तो यहां दो का क्यूब कर देंगे तो हमें आठ ट्रायंगल मिलेगा। आठ ट्रायंगल मिलेगा, जैसे यहां से एक ड्रॉ करेंगे तो हमें दो पार्ट में मिलेगा, जैसे एक ट्रायंगल है मानो, उसमें यहां ड्रॉ कर दिए तो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो दो वो में जोड़ लो तो 10 हो गया आपका। उसके बाद से 10 के बाद ये वाला 11, ठीक है, ये वाला 12, ठीक, उसी तरह ये 13, ये 14, और ये मिला के, ये दोनों ट्रायंगल मिला के 15, और ये वाला मिला के 16, तो टोटल इसमें 6 और जोड़ दो तो 16 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जिसका 16 आया हो, बढ़िया। और इसको याद रखो, जब भी ऐसा हो कि आपके तीनों वर्टेक्स से मीडियन आए और एक ही पॉइंट से जाएं, तो क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 होगा, ये याद रखना। इसका भी यूज करके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कमेंट करो, मैं जूम कर दे रहा हूं, क्या होगा इसका आंसर। बोला इसमें कितने त्रिभुज होंगे, और साथ ही साथ वर्ग भी पूछ रहा है कितने वर्ग होंगे, ये भी आपको बताना है। ठीक, स्क्वायर कितने होंगे और आपके त्रिभुज कितने होंगे, तो
तो आंसर कमेंट करो भाई। चलो अब जिसका, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आपको ये वाला फिगर है, इसमें कितने ट्रेंगल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 16 हो जाएगा। उसके बाद से आपका यहीं से एक ट्रेंगल गया है ऐसे, ठीक, और ये पार्ट इसमें आ जाएगा, तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 16, 3, 19, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला पार्ट इस पे कटेगा, तो तीन ट्रेंगल बनेंगे, एक ये वाला हाफ, एक ये वाला, एक पूरा, तो 19 ये हो गया। 19 के बाद आपका तीन ट्रेंगल इस वाले बेस से बनेगा इस पे, ठीक, 19 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा, ठीक। 22 के बाद एक ट्रेंगल ये 23, एक ट्रेंगल ये 24, दो और दो और दो 24, 24 के बाद इन दोनों को मिला के 24, एक ये पूरा 25, और किए 26, दो और जोड़ दो 26, उसके बाद कहाँ मिलेगा, उसके बाद देखो ये वाला मिलेगा आपका 26 के बाद, ये कलर मैं चेंज कर दूं, 26 के बाद आपका ये देखो ये ट्रायंगल 27, और एक ये 28, तो दो और मिल गए हैं, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 28 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल 28 ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, और 6 स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो 6 स्क्वायर कौन सा, एक तो आपका सिंपल सा इस वाले में जो स्क्वायर बनेगा, कितने स्क्वायर बनेंगे इसमें, इसमें आपके 5 स्क्वायर बनते हैं, 5 ये और एक ये आपका, ये वाला पार्ट का जो स्क्वायर होगा एक ये मिलेगा, तो 6 स्क्वायर आपका मिल जाएगा इसमें, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, आंसर कमेंट करिए, उसके बाद से मैं आंसर आपको बताऊंगा क्या होगा इसका। कमेंट करो भाई। चलो अब बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी सिंपल से फिगर में पहले तोड़ लो, उसके बाद से इसे बता, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या क्या है, पहले आप ये फिगर है ऐसा, ठीक, एक यहां से गया है आपका ऐसे, एक सिंपल फिगर में तोड़ा, तो इसमें कितना बनेगा ट्रेंगल, 1, 2, 3, 4, तो 4 का डबल बनेगा 8, ठीक। उसके बाद से क्या हुआ है आपका, यहीं से एक और बना लो, इसी पे देख लो ऐसे ये बना लो, ठीक है, और यहां से इसे मैच कर दो, ठीक, तो जैसे 8 उसमें बना, तो वैसे ही तो पार्ट एक यहां पे भी छोटा सा बन रहा है इस वाले में, देखो इस वाले में आपका भी क्या बन रहा है, सेम वैसे ही बन रहा है, देखो ये वाला स्क्वायर, देखो इस वाले में भी, तो ये डायगनल मिलाओगे, नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4 इस पे, तो इससे भी 4 × 8 मिलेगा आपका, तो 8, 8, 16, तो ये हो गया आएगा। 16 के बाद, उसके बाद से क्या होगा, 16 यहां हो गया, उसके बाद देखो ये वाला, ये आपका कलर दूसरा ले ले रहा हूं, ये देखो आपका एक ट्रेंगल ये बना, 1, 2 और एक बड़ा वाला ये पूरा 3, तो 3 और बना, तो 16, 3, 19 हो जाएगा। उसके बाद से कहां बन रहा है, 19 के बाद, 19 के बाद देखो बन रहा है एक ये आपका पूरा का पूरा 20, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, और एक इधर 20, 1, 21, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 19 के बाद दो और जोड़ दो, तो 21 ट्रेंगल हो जाएंगे इसमें, ठीक। तो इसमें आसान था, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, कुछ भी नहीं करना था, दो आपके पास फिगर ऐसे बन रहे हैं, एक फिगर में इसमें 8 बनेगा, ठीक, इसी तरह यहां से एक बन रहा था आपका, यहां 8 बनेगा, 16 हो गया, 16, 3, 19 हो गया, एक 20 और एक 21, तो ऐसे आराम से गिन सकते हो। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग आंसर कमेंट करिए इसका क्या होगा। इसमें आपको सिंपल सा फिगर में तोड़ना है, उसके बाद से इसका आंसर निकालना है क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूं क्या होगा इसका आंसर। जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फिगर आए उसे तोड़ो, तोड़ने के बाद एक एक करके आंसर लिखते जाओ,
और जो जो जैसे डायग्राम बनाया गया वैसे बनाते जाओ, काउंट करके लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, जिसका नहीं आया आंसर वो देख लो कैसे इसे करना है। फिगर आपका कुछ ऐसे है, तोड़ोगे तो ये ऐसे बड़ा वाला बना लो, इसके यहां से दो पार्ट कर दिए तो यहां से हमें कितना ट्रेंगल मिला, दो ट्रेंगल मिला, लिख लिए। उसके बाद से जैसे ये ड्रॉ किए, इस ड्रॉ करने के बाद हमें एक ट्रेंगल मिलेगा ये वाला, उसे लिख लिए, क्योंकि ये वाला ट्रेंगल मिलेगा देखो ये वाला, तो एक लिख लिए, तो टोटल हो गया तीन ट्रेंगल अभी तक मिला है। उसके बाद जैसे यहां से ड्रॉ करेंगे तो हमें कितने ट्रेंगल मिलेंगे, एक तो आपका ये पूरा देखो, एक तो पूरा आपका ये देख लो, एक आपका ये ट्रेंगल मिलेगा, ठीक है, इस वाले से दो और एक तो पहले हो गया था आपका, पहले उसमें मिला था, उसके बाद से एक ये मिलेगा और एक इधर वाला ये पूरा मिलेगा आपका, ये वाला ट्रेंगल मिलेगा। ठीक, तो अब कितने मिले, दो मिले थे, तो तीन प्लस दो, ठीक है, पांच हो गया। उसके बाद से पांच के बाद अब मैं लाइन खींचूंगा, पांच के बाद आपको मिलेगा ये वाला, देखो सिर्फ यहीं तक, ठीक, छ, एक प्लस कर लो, ठीक। उसके बाद छह के बाद ये वाला आपका मिलेगा सात, और ये वाला मिलेगा आठ, ठीक है, तो दो और ले लो, तो टोटल कहां तक बढ़ गए थे, छ दो आठ, आठ हो गया। उसके बाद से ये देखो, उसके बाद से और किसी कलर से देख लेते हैं आपको, आठ, आठ के बाद ये वाला कलर देख लो, ये वाला नौ, और इसी में आगे बढ़ जाओगे इसी के साथ वाला, तो एक ये वाला मिल जाएगा पूरा बड़ा सा, तो दस, तो टोटल आठ प्लस दो, दस हो गया। ठीक है, तो दस आपके तो यहां मिल गए। उसके बाद से हमारा क्या है, एक आगे और कंस्ट्रक्शन है उसे कर लेते हैं, क्या है आपका, देखो यहां से ये मिला है, ठीक, उसके बाद से ये भी मिला है, तो यहां पे एक ट्रेंगल माउंट हो गया। तो जब ट्रेंगल माउंट हो गया तो ऐसे कोई ट्रेंगल माउंट होगा इस पे, तो इस पे तीन देगा ट्रेंगल, तो 10 प्लस 3 हमारे पास मिला था, कितना 10 मिले थे, 10 प्लस 3 कर लो, अभी कितने हो गए 13 हो गए। अब इन दोनों फिगर को मिलाकर कुछ मिलेगा, तो कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, देखो ये वाला पार्ट मिलेगा पूरा, ये देख लो, ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक, तेरह के बाद ये पूरा चौदह, और ऐसे ही नीचे चौदह एक ये पंद्रह, ठीक, तो दो और जोड़ लो, तो तेरह प्लस दो कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, पंद्रह होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आसान सा है, पहले इसमें फिगर एक एक कंस्ट्रक्ट करते जाओ और बना लो कि क्या होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट करिए कि इसमें कितने आंसर होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, बताइए सभी लोग जल्दी से कमेंट से, कितने त्रिभुज होंगे काउंट करके तुरंत बताइए। फिगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इसे तोड़िए, पहले इसमें देखिए कि बड़े पार्ट से कितने ट्रेंगल निकाल सकते हैं, उसके बाद से आप लोगों को तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। अब चलो मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, एक तो इसमें जैसे जैसे फिगर है पहले वह बना लो, इसे मैं छोटा कर दूं, ठीक है, फिगर आपका ये है बीच वाला जो फिगर है, ठीक, यहां से एक गया है ऐसे, ठीक है, उसके बाद एक ये आया है, दो आया है, ये बनाए, उसके बाद से आपका सिंपल, पहले इसे भी हटाओ, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज होने लगोगे, सिंपल से ये बनाया और इसका डायगोनल बना दिया मैंने, अभी मेरे पास कितने ट्रेंगल मिले हैं, दो ट्रेंगल मिला, एक ये और एक ये, ठीक है, दो ट्रेंगल मिला। उसके बाद से क्या हुआ है कि यहां से एक लाइन आई है और ऐसे यहां पे पड़ गई है, तो अब क्या हुआ, हमें एक ट्रेंगल ये मिल गया, नंबरिंग करते जाओ, दूसरा ट्रेंगल ये मिल गया और ये एक दोनों को कंबाइन करके मिल गया, तो तीन ट्रेंगल मिल गए यहां पे, वो लिख लो,
तो 3 + 2 कितना हो गया भाई, 5 हो गया, 5 हो गया इधर। उसी तरह इस वाले पे क्या हुआ, यहां से गया है ऐसे, तो एक ट्रेंगल ये मिल जाएगा, 1 2 था, इसे 3 4 कर लो। ठीक, तो 3 4 को मिला के और एक 3 और 4 वाला अलग अलग और एक पूरा 3 4 मिला के, तो एक और ये भी दे देगा आपका कितना, 3 दे देगा ये भी, तो 5 3 8 हो जाएगा। इसके बाद 8 के बाद होने के बाद और भी कोई ट्रेंगल दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है, कौन सा देखो, मैं कलर दूसरा ले लूं, अब दिखाता हूं आपको किसमें कौन सा और ट्रेंगल है, क्योंकि वही मिस होगा आप लोगों से अगर गलत आया होगा आंसर। तो देखो ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये वाला ट्रेंगल, और एक और मैं बना दूं आपके लिए ये देखो, तो 8 + करते जाना भाई, +1 कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद ये देखो, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल तो कितना हो गया, 9 हो गया था, तो 9 + 1 टोटल कितने मिल गए अभी तक, 10 मिल गए हैं। ठीक है, 10 मिल गए हैं। अब आगे चलते हैं कि आगे वाले फिगर में जो इसके बाद है, क्योंकि इसमें 10 ही मिलेंगे आपको, टोटल मैंने बता दिया कैसे कैसे काउंट करना है। सिंपल सा अभी फिगर बनाओ ऐसे, इसमें हो गया 2, उसके बाद से आपका कहां से आया है, यहां से, मतलब ऐसे सिंपल ये वाला फिगर बनाओ, यहां से आपका 2 हो गया, उसके बाद से यहां से आए तो यहां 3 मिलेगा आपको, तो 3 2 5, फिर ऐसे यहां से ले जाओगे 8। ठीक है, उसके बाद से ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, तो टोटल हमारे पास अभी तक 10 हो गए हैं। 10 ट्रेंगल मिलने के बाद आगे जैसे जैसे बना वैसे बना लो। आगे क्या बना, यहां से एक बना है ऐसे, ठीक, और इधर वाले पे क्या बना है ऐसे, इधर वाले पे भी बना है ऐसे, ठीक, तो ऐसे इधर वाले पे भी बना है। तो एक तो ट्रेंगल इधर हो गया आपका 10 के बाद, ये वाला ट्रेंगल 11, ये वाला ट्रेंगल 12, ठीक, तो 12 हो गए, 10 में 2 और जोड़ दो भाई, लो 12। उसके बाद से कौन सा ट्रेंगल मिलेगा, उसे अलग कलर से देख लेते हैं। 12 अभी तक हमारे पास हो गए हैं, उसके बाद से जो ट्रेंगल मिलेगा वो ये मिलेगा, देखो 12 के बाद ये पूरा 13, और ऐसे ही इधर ये आपका 14, तो टोटल कितने ट्रेंगल मिले, 14 ट्रेंगल मिले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो जिसका जिसका 14 आया हो करेक्ट हो, ठीक, बहुत सावधानी से गिनना, एक भी अगर मिस हो गया ना तो देखो आंसर कैसे दिया, 8 10 12 14, तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां तक समझ लो कि तुमने 12 के बाद 13 एक भी काउंट कर लिया और ऑप्शन में 13 है के बाद कोई नहीं दिख रहा है, लास्ट 14 ही दिख रहा है, तो मार दो 14, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस जो है हो ही जाएगा। तो जब भी ऐसा हो कि आप आस पास पहुंच रहे हो और कुछ छूट रहा हो तो उसे बड़ी वाली संख्या मार दिया करो आंसर में, ठीक है। तो ये आपका यहां से 14 आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे बता दो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके तुरंत आंसर दो। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रेंगल आपके बनेंगे, इसे भी जब तोड़ोगे, ये तो एक फिगर पे ही है, मतलब सेम उसी में सिर्फ लाइन खींच दिया गया और एक्स्ट्रा बढ़ गया है ट्रेंगल आपका। आंसर कमेंट करो भाई, देखें कितना सही आता है। चलो अब मैं बताता हूं क्या होगा इसका आंसर, इसे छोटा करते हैं और इसे तोड़ते हैं सिंपल फिगर में, आपके पास ये फिगर बनेगा कुछ, देखते जाना, ये है, ये है, ठीक है। फिगर को सिंपल फॉर्म में तोड़ो, ये बना दिए और बीच से भी एक लाइन है ना, ये भी लो, इसको भी ले लेते हैं, सिर्फ 2 लाइन ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हुई है, उसे हम बाद में करेंगे। अभी इसमें कितने ट्रेंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कर दो तो कितने आ गए हमारे पास, अभी 12 हो गए। उसके बाद से ऊपर से एक लाइन जाएगी, देखो ये ऊपर से लाइन गई, तो ये आपका मिलेगा 13, ये आपका मिलेगा 14, और ये वाला मिलेगा 15, तो टोटल अभी कितने होंगे, 12, 3 ट्रेंगल मिले तो हमारे पास हो गया 15। उसी तरह नीचे भी एक लाइन है, 15 के बाद ये 16 वाला ट्रेंगल, ये 17 वाला ट्रेंगल, और ये 18 वाला ट्रेंगल, ठीक, तो 15 + 3 और मिल गए, तो ये भाई 18 हो गया। उसके बाद से कौन हिडन ट्रेंगल कौन कौन से, उसे जो देख लेते हैं, 18 तो यहां हो गया, हिडन ट्रेंगल देखें तो कौन कौन से मिलेंगे, उसे दूसरे कलर से देख लेते हैं। 18 के बाद
क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, एक बार जहां जिधर से मिलेगा उतने ही ट्रेंगल आपके मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो एक ये वाला ट्रेंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे तो एक मिला इधर, तो जब इस वाले पे ऐसे मिला तो इधर वाले पे भी मिलेगा। देखो 18 हो गया था तो 19, और ये कौन सा हो जाएगा आपका 19 और एक 20, तो 18 ठीक है, 18 था प्लस आपका दो और मिला तो 18 दो 20 हो गया। 20 के बाद और भी कोई मिलेगा? हाँ भाई और मिलेगा, जैसे ये इस पॉइंट से और यहां तक मिला वैसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी तो सिमेट्रिक वैसे दो और मिलेंगे। वो कौन से होंगे उसे अलग कलर से देख लेते हैं। देख लो वो कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे। देखो यहां ये वाला ट्रायंगल ठीक, वैसे ही ये वाला ट्रायंगल ठीक, तो दो ट्रायंगल और मिला तो 20 था प्लस कर लो इसमें कितना दो और प्लस कर लो दो और मिला तो भाई 22 ट्रायंगल इसमें मिले, तो 22 जिसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही होगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर सही होगा ठीक। एक आपका ट्रायंगल देखो इस वाले में मैं बना दे रहा हूं, एक जो हिडन ट्रायंगल है बाकी तो गिन ले जाओगे, एक हिडन ट्रायंगल आपका ये मिलेगा इस पे और एक आपका मिलेगा ऐसे इस पे, इसी तरह इसका भी डबल मिलेगा आपका। देखो इसका मिलेगा ऐसे, ये आपका मिलेगा और ऐसे ही ये आपका मिलेगा ठीक है। तो ऐसे हिडन ट्रायंगल आपके दो चार मिलेंगे, उसे काउंट नहीं किए होगे तो उसका आंसर गलत आ रहा होगा। वो क्या मारा ट्रायंगल होंगे 22 ट्रायंगल होंगे, जिसका आंसर 22 आया वो करेक्ट हो। आगे बढ़ जाते हैं, ये सिंपल सा फिगर है, इसका तो सबका सही आंसर आना चाहिए भाई, कमेंट में सबका सही आंसर आना चाहिए। अगर इसका अगर नहीं आया तब तो समझ लो एकदम हलवा फिगर है ये, इसका तो सबका सही आंसर आना चाहिए, कुछ नहीं करना है इसमें। चलो अब चलो जिसका नहीं आया वो देख लो क्या होगा इसमें। इसमें क्या आपका सिंपल सा एक ट्रायंगल दिया है, उसके बाद से आपका एक और ट्रायंगल ऐसे दे दिया है, तो भैया गिन लो ना इसमें ट्रायंगल। दो ट्रायंगल तो आपके पास वैसे हो गए बड़े वाले, दो ट्रायंगल तो वैसे साफ साफ दिख रहे हैं बड़े वाले। उसके बाद ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, सातवां हो गया, ये आठवां हो गया ठीक। आठ के बाद किसमें किसमें डबल हुआ भाई, इसमें देखो आठ के बाद दो इसमें हो गया तो 10, 8 प्लस 2 10 हो गया, इसमें भी 2 हुआ, 10 2 12, 12 और 2 14, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 14 ट्रायंगल होंगे। और कुछ तो बन ही नहीं रहा क्योंकि दो पहले हैं, दो के बाद आपका ये 3 ठीक है, ये 3, ये पूरा का पूरा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 ठीक है, तो 2 2 4 2 6 हुआ तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो वही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसे भी कर दो, इसे भी तोड़ के करोगे, एकदम आसान सा फिगर है। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन जिससे शुरुआत किया था जैसे तोड़ा था सेम उसको इसमें से अलग कर लो और एक को अलग कर लो और दोनों को फिर से जोड़ दो, पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो भाई जल्दी से। चलो जिसका नहीं आया अब देखो क्या होगा इसका आंसर। पहला फिगर क्या है, मैं तोड़ने के लिए किसे बोला, देखो इसे तोड़ लो, ये इस वर्टेक्स से गया है, इस वर्टेक्स से इस बेस पे गया है ठीक है, तो आपके दो वर्टेक्स से दो बेस पे गया है, तो मैंने इस पे कितना बताया था ट्रायंगल भाई, 2 का क्यूब होता है, 8 ट्रायंगल इसमें मिलेंगे आपको, कुछ नहीं सोचना है। जब भी ऐसा हो कि दो बेस पे आपके यहां कितने कट हैं, 2 कट हैं, और यहां वाले इस वाले बेस पे इस पे भी 2 कट हैं, तो उसका क्यूब कर दो, क्योंकि यहां से एक अब इस वर्टेक्स से एक आपका लाइन गया, इस वर्टेक्स से एक लाइन गया, सिमेट्रिक फिगर है, ऐसा तो नहीं एक से दो गया एक से एक गया है तब आपका नहीं होता। यहां पे इससे भी एक लाइन गई है, इस वाले वर्टेक्स से भी एक लाइन गई है, तब भी जैसा जब ऐसा है तो जितने कट बनाए बेस पे उसका क्यूब कर दो, तो 2 कट बनाए उसका क्यूब कितना हो गया 8 ठीक, तो 8 ट्रायंगल इसमें मिल गया। उसके बाद से क्या हुआ है आपको जो आगे बढ़ा है उसे काउंट कर लो, कैसे बढ़ा आगे, देखो इसे बढ़ाया गया है और आगे इसे कंबाइन किया गया है ठीक, और यहां से एक कंबाइन किया गया है ये, तो देखो पहले तो इस बेस पे एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको, वो कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है ये देख लो, इस बेस पे ये ट्रायंगल मिल रहा है जिसके बीच में ऐसे है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसमें कितने ट्रायंगल मिलते हैं 3 मिलते हैं, तो हम और 3 जोड़ लेना भाई, इसमें
और तीन जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 11 यहां तक हो गया। 11 के बाद, 11 के बाद आपको कंबाइंड वाला ढूंढना है कि कंबाइंड कौन कौन सा होगा। तो देख लो कंबाइंड वाला ढूंढ लेते हैं। 11 के बाद कंबाइंड देखो, ये एक कंबाइंड होगा 11 प्लस 1 12, और एक कंबाइंड कौन सा होगा, एक ये, आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने होंगे फिगर, 13 होंगे। और कुछ बच रहा है इसमें, 8 तो इसमें हो गया, सिंपल सी बात है। 8 के बाद आपका 3 इसमें हो गया, तो 9 10 11 और इसका एक कंबाइन 11 एक 12 ये, और ये आपका बाहर वाला एक 13, तो टोटल कितने बनेंगे, 13 आपके इसमें फिगर बनेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, 13 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इसका भी आंसर कमेंट करो। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, कमेंट करो भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो अब बताता हूं मैं, जिसका आंसर नहीं आया देख लो। इसमें क्या है, आप जब तोड़ोगे इसे, पहले तो सिंपल यही फिगर है ये वाला, इसमें कितना बनेगा, 1 2 3 4 4 का डबल कर दो कितना हो जाएगा, 8 बनेगा ट्रायंगल। उसके बाद से क्या हुआ है कि आपका एक लाइन यहां से क्रॉस की गई है, तो यहां तीन ट्रायंगल मिल जाएगा, एक ये और एक पूरा आपका कंबाइंड। ठीक है, आपका एक पूरा ये वाला पार्ट का कंबाइंड ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल मिलेंगे, एक ये और एक पूरा कंबाइंड। ऐसे ही आपका हर जगह जो है आपको मिलेगा ट्रायंगल। देख लेते हैं, जैसे यहां से ये आपका जाएगा कहां है, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसे तो कुछ है। ठीक, तो आपका जब ये बना तो तीन तो यहां से भी मिलेगा, किन लो काउंट, तीन यहां से मिला, तीन यहां से मिला, तीन यहां से आपका मिला ही था, और तीन यहां से भी मिलेगा। तो 8 पहले मिले थे जब वो बना था आपका फिगर, ऐसे ये वाला फिगर, यहां से 8 मिले, बाकी तीन यहां से, तीन यहां से, तीन यहां से, तीन यहां से, तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 4 12, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या ट्रायंगल में, ऐसा कुछ दिख रहा हो कि बच रहा हो, नहीं भाई कुछ, ये भी काउंट हो गया हमारा, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, और ये भी काउंट हो गया, सब तो काउंट हो गया, पहले मैंने काउंट कर ही लिया था। बीच वाले में कहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका क्या बन रहा है, वो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसमें आएगा ही नहीं। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसे आंसर करो भाई, कमेंट करो, जूम कर दे रहा हूं मैं। सिंपल सा है, इस फिगर को ऐसा लग रहा है आपको कि सामने देखे हुए फिगर हो और टफ हो रहा गया हो आपसे क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है। चलो अब बता देता हूं मैं इसका आंसर क्या है। फिगर को सिर्फ अभी तक आपको मैंने बताया था कि हाँ एक रेक्टेंगल ऐसे ले लिया था, और उसमें ऐसे ऐसे आपसे करके बता दिया था कि इसकी नंबरिंग कर देना, और जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका डबल आपका क्या होगा, ट्रेंगल होगा। अरे फिगर अभी भी तो वही है, आपका रेक्टेंगल ना होके आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना है, कुछ ऐसे काइट टाइप का बन गया है भाई, है तो भुजाचारी, इसमें चारों के डायगनल आपके मिले हुए हैं, ये देखो ये मिला हुआ है, उसके बाद से यहां से एक लाइन गई है, यहां से एक लाइन गई है, सेंटर से इतनी लाइन गई है, नंबरिंग कर दो भैया, 3 4 5 6 7 8, तो 8 की डबल कर दो इसमें, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, वही आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं, आपके जो ये पुराना प्रीवियस जो आपका जैकपॉट क्वेश्चन था उसका आंसर मैं बता दे रहा हूं क्या होगा। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था, बहुत अच्छा जिन लोगों ने इसका आंसर सही किया भाई, इसमें कुछ नहीं था, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन उसी पे था। देखो पहला क्या था, एक इसे भी तोड़ लो, इसमें दो ऐसे बने हैं, 1 2 3, ये 4 है, ऐसे बना है आपका फिगर पहला वाला। इसकी नंबरिंग करोगे यहां से कितने मिलते हैं हमको ट्रायंगल, 16 मिलेगा, क्योंकि 8 तक होगा, 8 का डबल करोगे तो 16, इसमें 16, साथ ही साथ एक और ऐसे तो अंदर बना हुआ है भाई, ये कंबाइंड हुआ और ये कंबाइंड हुआ।
फिर अंदर वाले में भी तो सेम वही फिगर बन गया, ऐसे जो फिगर बन रहा है आपके सामने इसमें भी तो सेम वही फिगर बन गया है यही वाला, तो इसमें भी तो 16 मिलेगा, तो 16 प्लस 16 दोनों में अंदर और बाहर मिला के 32 तो यही हो गया। 32 के बाद कौन कौन सा बचा, 32 के बाद आपका देखो इस वाले पार्ट में, बत्तीस के बाद आपका एक ट्रेंगल ये मिलेगा, 32 के बाद एक, 32 के बाद 33, ये 34 और एक पूरा मिला के, एक पूरा मिला के क्या हो जाएगा 35, मतलब तीन यहां से मिला, तीन जब यहां से मिला आपको और तीन यहां से मिला, तीन यहां से भी मिलेगा और तीन यहां से भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तीन तीन छह तीन नौ तीन चौके 12 मिला और तो 32 और 12, ठीक है 32 यहां से मिला 12 और मिला, ठीक, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 3 × 1 = 44, यही तो होगा, बाकी तो सब आपका काउंट ही हो गया, अंदर का ये काउंट ही हो गया, ये वाला बाहर में काउंटिंग हो गया है, तो बस वही बचा आपका 32, 8 अंदर वाले, 16 अंदर वाले से, बाहर 16 वाले से 32 ये, और जो ये इसके वजह से तीन यहां मिला, तीन यहां मिला, तीन ट्रेंगल यहां मिला, तीन यहां मिला, तो 12 ट्रेंगल और मिले तो 32 और 12 कितना हो जाता है 44, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था। आगे बढ़ जाते हैं, आज का ये जैकपॉट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, मैंने ये भी यूज करना है जो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसका भी यूज करोगे तो इसका आंसर तुरंत बहुत जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना क्या होगा इसका आंसर, कितने इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स जो है बनेंगे। तो चलिए अगले सेशन में मिलेंगे, फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे जितने भी काउंटिंग फिगर के होंगे।